नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ग्वालियर में ब्लैक फंगस का मामला, एक बेटी ने अपने पिता के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लगाई मदद की गुहार। ग्वालियर के जीरी नगर के निवासी राजकुमार शर्मा ट्रैक्टर की एजेंसी चलाते हैं। 27 अप्रैल को वह कोरोना की चपेट में आ गए थे, उसके बाद राजकुमार को ब्लैक फंगस हो गया। 15 मई को उन्हें सेवा नगर के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। फंगस को रोकने के लिए उन्हें डॉक्टर ने 100 इंजेक्शन की डिमांड की थी। राजकुमार की बड़ी बेटी रेनू अपने मामा के साथ 20 इंजेक्शन का इंतजाम कर पाए, जिसके बाद रेनू ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मदद की गुहार लगाई। उसके पिता को किसी तरह सरकार से मदद कर बचा लिया जाए। सोशल मीडिया पर एवं इंटरनेट पर वीडियो वायरल हो रहा, जिसमें एक बेटी अपने पिता के लिए मदद की गुहार लगाती दिखाई दे रही। उज्जैन से मध्य प्रदेश ब्यूरो रिपोर्ट, कृष्णपाल सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम रेनू है और मेरे पापा का नाम राजकुमार शर्मा है। वो इधर अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट है। सर, उन्हें एडमिट हुए लगभग 8 से 9 दिन हो चुके हैं और उनकी 3 सर्जरी हो चुकी हैं, जिसमें उनकी एक जो इन्फेक्टेड एरिया था लेफ्ट आई उनकी निकाल दी गई, और फिर उसके बाद उनका जो ऊपर का जबड़ा था वो भी निकाल दिया गया सर। और डॉक्टर्स का कहना है, जो उनको इंजेक्शन लगने, पहले उन्हें कोविड हुआ था, बाद में उन्हें ब्लैक फंगस हुआ था, जिसकी वजह से उनका ऐसा कंडीशन हो गई। और डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक इंजेक्शन नहीं मिलेंगे तब तक दिक्कत हो जाएगी। और फिर उसके बाद इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है सर हॉस्पिटल में। मैंने बहुत लोगों से बात करी, DM सर से करी, DI से करी, SDM से करी, लेकिन सर इंजेक्शन मुझे कहीं से नहीं मिले। मैं एक हफ्ते से लगी हूँ सर। मैंने 800 से 900 नंबर डायल कर लिए, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला सर। या फिर तो फ्रॉड लोग मिलते हैं, या फिर मैं आपसे क्या कहूँ सर, कहीं से हेल्प नहीं मिली। तो मैं आपसे माननीय शिवराज सिंह जी से, जो हमारे मामा जी भी हैं, माननीय सिंधिया जी से और माननीय हमारे प्रद्युम्न सिंह तोमर जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे पापा की मदद कीजिए। उन्हें दिन में कम से कम 5 से 6 इंजेक्शन लगने हैं और अवेलेबल नहीं है सर। आपको भी पता है कि कितना शॉर्टेज है और हमारे लिए तो कितना मुश्किल है सर। प्लीज़ सर, मैं आपसे विनती करती हूँ कि पापा को हेल्प करो सर। प्लीज़ पापा को हेल्प करो, तभी पापा का कंडीशन बेटर हो पाएगा, वरना और कंडीशन ख़राब हो जाएगा। प्लीज़ सर, प्लीज़ मदद कीजिए। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें VMR भारत TV।